वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बेटा देखिए, हम चैप्टर नंबर 5 रीड कर रहे थे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और इसमें हमने कल हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात की थी। लिथोस्फीयर हम कंप्लीट कर चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एटमोस्फेयर की। एटमोस्फेयर मीन्स वायुमंडल, ठीक है। क्या होता है ये एटमोस्फेयर? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमोस्फेयर। कि जो हमारी अर्थ है, सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस, वो कई लेयर कई गैसों की परतों से घिरी हुई है, आर कॉल्ड एटमोस्फेयर, जिसे हम एटमोस्फेयर या फिर वायुमंडल कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, एयर की ये जो पतली सी चादर है, इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये इस प्लेनेट का एक महत्वपूर्ण और इंटीग्रल, मतलब एक अभिन्न अंग है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रेथ। इट प्रोवाइड अस, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है? विद द एयर, ये हमें एयर प्रोवाइड कराते हैं, हवा वायु उपलब्ध कराते हैं। वी ब्रेथ, जिसमें हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस, और हमारी रक्षा करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से। द एटमोस्फियर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो वायुमंडल है वो लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मीन्स हमारी अर्थ की सतह यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई बता रखी है लगभग 1600 किलोमीटर बता रखी है। द एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर ऑफ द कंपोजिशन। कंपोजिशन और टेम्परेचर और कुछ अदर प्रॉपर्टीज, कुछ अदर गुणों के या विशेषताओं के कारण हमारी जो एटमोस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, उसे 5 परतों में डिवाइड कर दिया गया है। द लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये जो लेयर्स हैं, परतें हैं जो वायुमंडल की, ये पृथ्वी की सतह से शुरू होती हैं, और इनके नाम हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। मीन्स ये 5 लेयर है, देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब देखिए, जब हमने ये डायग्राम को बनाया तो हमने ट्रोपोस्फेयर को ऊपर क्यों नहीं लिखा फर्स्ट लेयर में? क्योंकि जो हमारी लेयर्स है एटमोस्फेयर की, वो अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होती है, मतलब नीचे से, जहां से हमारी अर्थ स्टार्ट हो रही है, धरती जहां से हमारी स्टार्ट होती है, वहां से सरफेस से स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम शोभ मंडल कहते हैं। सेकंड इज स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल है ये, ठीक है। थर्ड है आपकी मेसोस्फीयर, यानी कि मध्य मंडल। फोर्थ इज थर्मोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल। एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फीयर, यानी कि बहिर्मंडल। बेटा जो ट्रोपोस्फीयर है, इसे हम शोभ मंडल कहते हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर तक मानी गई है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, लाइक बारिश का आना, ओले पड़ना, हवा का चलना, ये सब कुछ इसी लेयर में हो जाता है, ठीक है। इसकी जो हाइट है लगभग 1600 किलोमीटर है, और जो हमारा सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर उसकी ऊंचाई है, वो भी इसी परत के अंदर ही आ जाता है। क्योंकि आप देखिए, हमारे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, और हमारी ये 16 किलोमीटर है, मीन्स 1600 मीटर की बात कर रहे हैं, और हमारा माउंटेन तो 8848 मीटर ही ऊंचा है। मौसम संबंधी घटनाएं, बादल हुए, ओले पड़े, बारिश हुई, आंधी तूफान, सब यहीं पर होता है। ये सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक के बीच में है ये, ठीक है, 50 किलोमीटर, सॉरी, ये 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में समताप मंडल। जैसा कि इसके नाम से पता चला है, यहाँ पर टेम्परेचर समान रहता है, मींस ना टेम्परेचर कम है ना ही ज्यादा है, और यहाँ पर ओजोन नाम की एक लेयर भी होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। और जो हमारे प्लेन्स हैं, जो एरोप्लेन है, वो भी इसी मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम साफ है, ना बादल बन रहे हैं, ना आंधी है, ना तूफान है,
तो यही लेयर उनके लिए सबसे बेस्ट रहती है। थर्ड है आपकी मेसोस्फीयर, ये आपका मध्य मंडल है, ठीक है, ये आपकी ये आपका मेसोस्फीयर है। इसकी ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर तक बताई गई है और जो आयन्स है, ठीक है, वो यहाँ पर जब आते हैं ना स्पेस से, जब धरती की तरफ आते हैं तो इस मंडल में आने पर आयन जल उठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी थर्मोस्फीयर, ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में है और थर्मोस्फीयर के अंदर आपकी जो रेडियो ट्रांसमिशन, जो रेडियोधर्मी तरंगे हैं, ठीक है, जो रेडियो की वेव्स है, रेडियो ट्रांसमिशन जो वेव्स है, जब उन्हें हम भेजते हैं अर्थ की तरफ, हमने स्पेस में भेजते हैं, तो यहाँ इस लेयर तक आने के बाद ये उन्हें वापस धरती पर रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस धरती पर बैक कर देता है, जिसके कारण हमारे रेडियो में, हमारे टेलीविजन में साउंड सुनाई देती है। ये आपका एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल लगभग 1600 किलोमीटर, लेकिन यहाँ आने पर एयर बहुत कम रह जाती है, सिर्फ विरल लाइट वेटेड हीलियम, हाइड्रोजन, इस टाइप की गैसेस यहाँ पाई जाती हैं, और वो भी सघन नहीं है, पास पास नहीं है, उस एयर के मॉलिक्यूल्स भी काफी दूर दूर पाए जाते हैं, एयर बहुत ही कम है यहाँ पर। जब हमने देखा ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही माउंट एवरेस्ट था, जब माउंट एवरेस्ट तक ही मानव जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाता है, तो सोचिए यहाँ तक तो मानव का जाना ही मुश्किल है। यहाँ इसकी लास्ट कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से आने पर जो आपकी एक्सोस्फीयर है वो आपकी किस में मिल जाती है, आपकी स्पेस में मिल जाती है। देखिए आपकी बुक में भी एक डायग्राम बना रखा है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, ये आपका ट्रोपोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। सबसे पहली लेयर सबसे नीचे, क्योंकि अर्थ की तह से ही स्टार्ट हो रही है। आगे देखिए, द एटमोस्फियर इज कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो एटमोस्फियर है वो वायुमंडल है, मुख्य रूप से दो गैसों से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर, जो कि साफ और शुष्क एयर का 99% है। मीन्स जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो तो है आपकी 78%, टोटल का, टोटल एयर का 78% आपका नाइट्रोजन है और 21% आपका ऑक्सीजन है। तो 78 एंड 21 हो गया 99, तो 99% पार्ट को बनाता है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% ऑफ वॉल्यूम। और घनत्व की दृष्टि से जो बाकी जितनी भी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन, हीलियम, ओजोन, ये सब आपकी 1% में ही आती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ द लाइफ, व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे कि जहां ऑक्सीजन मानव जीवन को सांस लेने में मदद करती है, वहीं पर जो नाइट्रोजन है वो लिविंग, जो जीवाश्म है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एज इट एब्जॉर्ब हीट, क्योंकि ये हीट रेडिएट बाय द अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सूर्य की जितनी भी हीट को पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर रखा है उसे धरती से बाहर नहीं जाने देती है, जिसके कारण हमारी अर्थ रात में भी ज्यादा ठंडी नहीं होती है, thereby keeping the planet warm, इसी कारण हमारा प्लेनेट थोड़ा वार्म रहता है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और उसके साथ साथ यह पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही जरूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फियर वेरीज फ्रॉम हाइट, एटमोस्फियर का घनत्व, जो डेंसिटी है वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट पर डिपेंड करती है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है एटमोस्फियर की वो सी लेवल पर होती है, समुद्र की सतह पर, मतलब यहाँ पर, एंड डिक्रीजेस, और ये बहुत तेज गति से घटती है, रैपिडली एज वी गो, और जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं एटमोस्फेयर की डेंसिटी भी कम होती चली जाती है। यू नो, आप जानते हैं, द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रेथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ एयर। आप लोग ये जानते हैं कि जो क्लाइंबर्स हैं, जो पर्वतारोही हैं, वो भी मुश्किलों का सामना करते हैं, सांस लेने में उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है,
क्योंकि ज्यादा ऊपर जाने पर जो हवा का घनत्व है वो कम होता चला जाता है. दे हैव टू कैरी विद देम द ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रेथ एट द हाई लैटिट्यूड. इसलिए जब वो हाई लैटिट्यूड उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो वे अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड. और उसके साथ साथ जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान भी कम होता चला जाता है. द एटमोस्फियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ. एटमोस्फियर जो वायुमंडल है वो अर्थ की सतह पर दाब को प्रेशर को लगाता है. दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो एक जगह से दूसरी जगह पर डिफर होता है. सम एरिया एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज आर लो प्रेशर. कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर उच्च दाब होता है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लो दाब होता है, मतलब कम दाब रहता है. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करती है. उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ही हवा बहती है जिसे हम विंड कहते हैं. इसलिए सो मूविंग एयर इज नॉन एज विंड. इसलिए मूविंग एयर को विंड कहा जाता है. देखिए एक पिक्चर भी दिखा रखा है. देखिए देख रहे हैं आप, ये एक माउंटेनर चढ़ रहा है, ये है ना पर्वतों पर. जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाएगा सांस लेने में दिक्कत होगी और वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं. ठीक है बेटा, आज बस इतना ही, इसके आगे का कल करते हैं.